7 मार्च को विमेंस डे के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन किया, जहां पर डिजिटल क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाली दो खास मेहमान हमारे साथ, जानवी सिंह और इसके साथ ही लोक गायिका मैथिली ठाकुर, इस वक्त हमें एक्सक्लूसिव इंडिया स्टोरी के इस एडिशन में ज्वाइन इन कर चुकी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया स्टोरी में। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में उस टेक्सटाइल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। सांस्कृतिक परिधान, साड़ियाँ, फैशन के एरिया में आप जिस तरीके से एक्सपर्टीज हैं, टेक्सटाइल आपका काम और प्रधानमंत्री मोदी का भी, दोनों जब जुड़ गए तो ये जो कॉकटेल है, ये जो डबल कॉम्बिनेशन है, ये कितना सुपर बनानजा लगा आपको? मुझे लगता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही है मेरे लिए, जब प्रधानमंत्री खुद उस टेक्सटाइल को प्रमोट कर रहे हैं और फिर आपको भी उस क्षेत्र में सम्मानित किया गया। तो मुझे लगता है जो साड़ी का एक साहित्य में एक सीरीज रन कर रही हूँ, जहाँ मैं भारत के अलग अलग स्टेट से साड़ियों के बारे में बता रही हूँ, तो उसको भी एक लेवल अप, एक बूस्ट मिला। 26 जनवरी याद है परेड में, जब एक तरफ साड़ियां और अलग अलग राज्यों से आई हुई उनकी बाकायदा प्रदर्शनी लगी थी, बहुत बड़ा मैसेज था। और मुझे लगता है और साड़ियों को भी बढ़ावा मिलेगा इससे, टेक्सटाइल को तो मिलेगा ही, और क्योंकि आजकल देखिए आप लोग साड़ी जल्दी पहनते नहीं है, खास करके हमारा युवा, उनको लगता है तो बड़ा कठिन है ना, और इसमें हमारी हम कूल नहीं दिखेंगे, हम सुंदर नहीं दिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि आपने एक्सप्लोर नहीं किया है कि हमारे अपने भारत की सुंदरता क्या है, विरासत क्या है। और जब आप साड़ी ड्रेप करते हैं तो फिर सिर्फ एक साड़ी नहीं है, वो आपके कल्चर है, वो आपकी रूट्स है, तो मुझे लगता है वो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए, आप कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं। और इसी से रिलेटेड मैथिली, मैं आपसे भी कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि आपकी उम्र बहुत छोटी है, हालांकि आप धीमे धीमे जैसे आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, डेफिनेटली यू आर ऑल्सो ग्रोइंग, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि आप हमेशा साड़ियाँ पहनती हैं एंड यू लुक रियली प्रिटी इन दैट, आप बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि आगे क्या आपको लगता है कि इस अवार्ड सेरेमनी के बाद, जब ऑलरेडी आप बहुत प्रचलित हैं, आपको लोग जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से अवार्ड मिलना, कुछ तो सोचा होगा कि आने वाले 5 सालों में भारत की ग्रोथ स्टोरी में, भारत की इंडिया स्टोरी में मैं अपना योगदान कैसे दूंगी? अभी जैसे हर जगह कॉम्पिटिशन इतना बढ़ता जा रहा है, आप जो आइडिया सोचते हैं ऑलरेडी लोग उस पर काम करके छोड़ चुके हैं, ऐसा भी होता है। तो अभी हम लोग जो है, ये एक ऐसे लेवल पे प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को ला दिया है कि अब हमारे पास ऐसा लग रहा है कि बस ढूंढना है, आइडियाज ढूंढने, अभी तो बहुत कुछ है जो करना है, अभी तो बस शुरुआत है। तो जिस जो चीजें छिपी छिपी हुई थी, वो हर चीजों को फिर से पर्दा उठा दिया, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कि अभी तो ये भी देखो, वो भी देखो, और मन करता है कि बस सुबह से रात तक मैं रोज चीजों को समझने में, पढ़ने में, ये सब में बिता दूं, और क्या क्या हो रहा है हमारे भारत में। जैसे कि हमारे जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, कई लोगों को ये नहीं मालूम है कि अगर बनारस की साड़ी तो वैसे बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन बिहार में क्या, कहाँ के कौन से जिले की साड़ी बहुत प्रचलित है, अब महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे कौन सी साड़ी बहुत, गुजरात की बात करें तो वहाँ पे कौन सा हैंडीक्राफ्ट है जो लोगों को, जैसे ये सारी चीजें मैं बिहार खादी के, और आपके तो नाम से आठ है बिहार में, आपके तो नाम से ही आठ है बिहार में, मेरे घर के पीछे ये देखिए हाथ से बनाया हुआ है। सो बस अभी मेहनत करनी है, आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आगे करना क्या है, क्योंकि बस कल में इतनी सारी हम लोग को रोशनी मिल गई है कि अब इससे बाहर निकलना है, थोड़ा सांस लेना है, अब फिर काम करना शुरू करना है। एंड आई होप बोथ ऑफ योर ब्रदर्स आर आल्सो डूइंग ग्रेट, क्योंकि उनका योगदान आपके साथ हमेशा से रहा है, छोटी उम्र से लेके अब साथ साथ वो आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जैसा कि कहते हैं कि अनंत आकाश है, स्काई इज द लिमिट। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू मैथिली, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू जानवी।